जस्टिस रणजीत सिंह जी की जो कमीशन की रिपोर्ट है वो अब सारे पंजाब को हिंदुस्तान को पूर्णता समझ आ रही है। मैं आज आपके पास नए तथ्य लेके आया, कुछ नया लेके आया। डिगिंग फॉर फैक्ट्स इज अ मच बेटर एक्सरसाइज देन जंपिंग टू कंक्लूजंस। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स दैट वी हैव डग आउट। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीजीपी साहब की बादल साहब के साथ बात हुई 2 बजे। 2 बजे से 6 बजे तक क्या हुआ, दैट इज वन एस्पेक्ट। द सेकेंड एस्पेक्ट इज कि आपने सुना होगा बहुत से धरनों में रेड अलर्ट होता है, पुलिस अलर्ट होता है, लेकिन यहां एक डॉक्टर अलर्ट हुआ। डॉक्टर अलर्ट 3:03, वो बड़ा अहम इस सारे घटनाक्रम में एक तथ्य है जो उभर के सामने आया। और साहब मैं जो आपको एविडेंस देने वाला हूं वो एविडेंस इतना जबरदस्त है, 3:03 पे एसएमओ जो है गाजी उज्जैन, और ये गवाह है CW-198 डॉक्टर कुलविंदर पाल सिंह, 3:03 पे एसएमओ फोन करता है सवेरे 3:03 पे। आज तक कितने धरने हुए होंगे, कितनी ट्रेनें रुकी होगी, कितने लोगों ने प्रदर्शन किए होंगे शांतमय, आज तक कभी ये डॉक्टर अलर्ट नहीं हुआ था। 3:03 के उत्ते डॉक्टर कुलविंदर पाल नू गाजी साहब कहते रहे कि यू हैव टू इमीडिएटली रश टू द कोर्ट कपूरा हॉस्पिटल फॉर एनी इवेंचुअलिटी। और मैं उन्होंने सारी स्टेटमेंट तो ऊपर के सुनाना चाहना क्योंकि मैं इन्हें डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहना। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गवाह नंबर 198 इन फ्रंट ऑफ द कमीशन। हिज नेम इज डॉक्टर कुलविंदर पाल सिंह। ही सेज आई रिसीव्ड अ टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम एसएमओ डॉक्टर गाजी उज्जैन एट अबाउट 3:03 PM 14 अक्टूबर 2015 रिक्वायरिंग मी एंड अदर डॉक्टर्स टू रिमेन प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल as he had received a call from the DC that some eventuality may arise because of dharna in Kotkapura Chowk. He says, I rushed for duty in the hospital. In fact, I was always ready and on duty. 5 baje, at 5 o'clock, myself and some other doctors had gone to the Chowk side where the public was sitting and dharna on dharna and police with the cannon vehicles and other equipment were present there. We returned to the hospital around 6:30. Now this is very crucial. 6:30 wo kothe de utte chadhya hospital de. At around 6:30 or 7 we heard commotion and sound from the side of the chowk and we went up to the roof thinking that this was a new emergency of the hospital. Some police force was present outside the civil hospital. We were told that we should move from there as some bullet might hit them. Police ne Dr. Kulvinder Pal nu kya ke kothe to thalle utro, thode goli lagan da khatra hai. Ye 6:30 baje di gall hai. We should move from there as some bullets may hit us. We came down and soon thereafter a rush of patients started coming to the hospital. I myself heard the sound of firing continuously as well. Main apne aap goliyan di awaaz aundi suni and suddenly a rush of patients came over there. मैनू ऐ दसो साहब हूँ मैं इन कनैक्ट कर रहा कड़ी ना कड़ी छुट्टी जाती मैनू ऐ दसो साहब कि 3 बजे
ये डॉक्टर अलर्ट क्यों हुआ? फॉर व्हाट? वो तो पहला भी कितने दिन धरना लगता रहा, उसके पहले भी कितने दिन धरना लगता रहा, किसी ने डॉक्टरों को नहीं वहां इकट्ठे होने के लिए बुलाया और ये नहीं कहा डिप्टी कमिश्नर ने कि कोई बड़ा इवेंचुअलिटी होने वाली है और आपकी जरूरत है, इमरजेंसी सिचुएशन कोई अराइज होने वाली है इस धरने पे। ये कैसे हो गया? बादल साहब 2 बजे डीजीपी से बात करते, अब आप देखिए कड़ी कैसे जुड़ती है और ये 2 और 6 के बीच में हो रहा है। Then the CM speaks to Mantar Barad and the Deputy Commissioner through the phone of Gagan Barad and says, now speak to the DGP. Gagan Barad de phone to phone karke CM saab kehde hun tusi DGP na gal karo, te jado administration aur Mantar Barad DGP na gal karde, dekho DGP ki kehnda hai, ohi DGP ne जेडे कह रहे हैं कि पीसफुल धरना है जी, जैसे इन्होंने माड़ा मोटा भी हलावे तो वायलेंस होने का खतरा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। सी व्हाट द डीजीपी सेज क्लोज टू 3 o'clock, ही सेज टू द एडमिनिस्ट्रेशन 10 मिनटों के शहर खाली करा देंगे, चिंता ना करो, 10 मिनटों के शहर खाली करा देंगे और शहर दियां कुंजियां तुहानू फड़ा देंगे, ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड सर। और अगे सुनो, एसडीएम वीके सयाल एग्जामिन्ड एज विटनेस हैड आल्सो रीच्ड द रेजिडेंस ऑफ मिस्टर मीना एट मिडल ऑफ द नाइट एंड हर्ड मिस्टर मंतार बराड स्पीकिंग ऑन फोन विद सीएम एंड आस्किंग दैट समथिंग बी डन टू कंट्रोल द सिचुएशन एज थिंग्स वुड गो बैड बाय द मॉर्निंग। आफ्टर टॉकिंग टू द सीएम मिस्टर मंतार बराड सेड That the CM had promised to do something. मैं कुछ करता जी। All these are facts on record. Soon, Mr. Gagan Barad spoke to Mr. Mantar Barad, telling DC to speak to DGP Mr. Saini. हुन तुसी Saini साहब ना गल करो जी। This shows CM asked DGP to act. It is to be noted that CM spoke to the DGP. एंड अदर वे मैं दसो वियाना कांड होया, वियाना कांड दे विच डीआईजी एसएसपी वड्डे वड्डे पुलिस के अफसर अपनी गड्डियां रोड़े वजदे छड़ के भज्जे, कई गड्डियां नूं अग भी लाई पर किसी ने गोली चलाई, अजे कई उदाहरण ने, क्योंकि हायरार्की दे विच पुलिस गोली उदों चलाउंदी है जदों कोई उत्तों हुक्म हुंदा है। नहीं तो वियाना कांड दे विच फिर ऐसा क्यों होया? हुण अगे सुनो, डीसी स्पोक टू द डीजीपी फ्रॉम द फोन ऑफ मिस्टर मंतार बराड व्हेन डीजीपी टोल्ड डीसी नॉट टू बॉदर एंड ही वुड क्लियर द सिटी विद इन 10 मिनट्स। ए रिपोर्ट है जी, रिपोर्ट बोल रही है, ए मैं नहीं बोल रहा, मैं हिंदी चुकी ट्रांसलेशन की है। नॉट टू वरी, नॉट टू बॉदर, यू वुड क्लियर द सिटी विद इन 10 मिनट्स एंड हैंड ओवर टू देम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हैंड ओवर कर दूंगा जी, कुंजियां तो हाथ ही दे देगा। ऑब्वियसली दिस वाज आफ्टर सीएम हैड स्पोकन टू डीजीपी एंड हैड टोल्ड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू स्पीक टू द डीजीपी। एडमिटेड फैक्ट्स नाउ आर दैट सीएम रैंग अप डीजीपी एट 2 AM, सीएम हैड कंसीडर्ड दिस फैक्ट नाउ ऑन रिकॉर्ड। मैं दसो ये तो की इंप्लीकेशन निकल दी है, व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दिस एक्शन? वॉज कंसेंचुअल विद द सीएम, एक्शन जरा सी ओ सीएम दी कंसेंट के नाल सी, इट वाज कंसेंचुअल विद द सीएम एंड दैट इज हाउ द डीजीपी लेटर टोल्ड सीएम अबाउट द स्टेप्स दैट ही हैड टेकन। जितना असर लिखने का होता है उससे बढ़ चढ़ के बोलने का असर होता है, और जितना असर बोलने का होता है उससे 10 गुना ज्यादा असर दिखने का होता है। मैं आज आपको यह दिखाऊंगा कि हुआ क्या। ये कमीशन के साथ अटैच्ड रिपोर्ट है, जब जस्टिस जोरा सिंह कमीशन ने ये तथ्य मांगे थे, शायद आपको इस बात का पता नहीं होगा कि कोट कपूरा चौक में 4 CCTV कैमरा लगे हुए थे और बादल सरकार के दौरान जब जोरा सिंह कमीशन का गठन हुआ तो जोरा सिंह कमीशन ने जब पुलिस से तहकीकात की और ये पूछा
कि उन सीसीटीवी कैमरास की फुटेज कहां है, तो जवाब मिला कि किसी ट्रक ने उन सीसीटीवी कैमरास को खराब कर दिया और कोई फुटेज उपलब्ध नहीं है। लेकिन आप देखिए जस्टिस रंजीत सिंह की उपलब्धियां कि वो सारी फुटेज एक एक घंटे की चार कैमरा से और चार अलग अलग दृष्टिकोणों से वो पूरी एक एक घंटे की अवेलेबल है। अगर आप चाहोगे सारी तो मैं सारी दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहोगे कि असली काम जब शुरू होता है कि अमन अमान से बैठे हुए लोग को दिनों से बैठे थे, ऐसा क्या हुआ कि वायलेंस हुई और उन्हें जबरदस्ती उठाने का प्रयास हुआ, मैं वहां से शुरू कर दूंगा। जब आदमी देख रहा है कि क्या हो रहा है, पंथप्रीत जी को कैसे घसीट रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि सब कुछ मिली भुगत एक दूसरे से तालमेल के साथ हुआ। और ये जानबूझ के जो अनजान बन रहे थे उनका पर्दा सारी तरह पूरी तरह फाश हो जाए। अब तक जो पर्दे में छुपा था वो सारे पंजाब के सामने आ चुका है। फिर भी अहंकार इतना है कि अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। The role of the police being responsible for action at Kotkopura can be clearly seen from the CCTV footage of cameras. This is attached with the report. I'm not giving you something which is not attached with the report. You probably would not know it. 14:42. This is what the doctor is referring to. वो इसको दोखा देता ना होया। See what happens. देखो कह रहे शांत में ही बैठे रहो। दे विल ड्रैग पंथप्रीत जी। ये फरीदकोट रोड वाली साइड है, चौक जो था चार तरफ सीसीटीवी लगे थे। ये फरीदकोट रोड नीचे लिखे हैं फरीदकोट रोड का। हेलो जी, प्रमोशन स्टार्ट। देखो पुलिस की नहीं आ रही उधरों, और देखो पीछे इधरों देखो जी, किसी ने कोई प्रोवोकेशन किधरों हुई है, की होया देख रहे हो। हाँ देखो कि नहीं पुलिस इधरों आ रही है। हाँ देखो हाँ देखो हाँ देखो पुलिस के लिए आ रहे। देखो हाँ देखो हाँ देखो फाटे खींची लिया। देखो आप मंत्री जी को क्या दो। आओ देखो आओ देखो पुलिस के लिए आ रहे। बगैर किसी पॉलिटिकल लीडर के फैसले के बिना जू सी बड़ी गरीब है। ड्रैगिंग मिस्टर पंथप्रीत। पानी वाला
ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੈਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਾਟੀ ਜਾ ਰਹੇ सब गोलियां चला रहे हैं, हाथ में बंदूक है ऊपर, वहां देखो रिवॉल्वर कटे हुआ। किसानों का मोर्चा भी होता सी, उत्थे ट्रेनां भी रोकियां गईयां, उत्थे वायलेंस भी हुई, उत्थे डेरा प्रेमी भी फिल्म नूं रिलीज़ कराउण दे लई बैठे सी। भाई उन्हां ते इह क्यों नहीं कीता? ते दूजे पासे दुख नाल आंतड़ियां पट्टियां होईयां सिख अमन मान दे नाल, अमन मान दे नाल, हजूर अमन मान दे नाल इक थां दे उत्ते बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वाहेगुरु जप रहे हैं। ते फिर तुसीं मैनूं इह दसो कि उन्हां नूं छड्ड के गोलियां इन्हां दे उत्ते, बुजदिल कायर और करमा पक्षों डायर डायर डायर, एक डायर। स्पीकर साहब जदों डायर ने गोली चलवाई सी, उन्हें आप गोली नहीं सी चलाई, स्पीकर साहब गोली किसी होर ने चलाई सी, लेकिन उसका नाम कोई नहीं याद। याद रखना वीरो, गोली का चलाने का हुक्म डायर ने दिता सी, डायर ने जिन्होंने गोली चलाई उत्तम सिंह ने उहदे नाल बदला नहीं लिया, जिन्हें हुक्म दिता डायर ने उहदे नाल बदला लिया सी। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਦ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਕੁਮਰਾ ਲੰਗਰ ਦੇਤਾ ਫਲਾਨਾ ਦੇਤਾ, ਠੰਡ ਉਹ ਦਿਨ ਪਊ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਦਿਓ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਸੇ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਥਾ।